उधर आगामी लोकसभा चुनाव पर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जहां कांग्रेस के उम्मीदवार सूची पर चुटकी ली तो वहीं दावा किया कि जनता का भरोसा पीएम मोदी है। साथ ही कांग्रेस नेता खड़गे और जयराम रमेश के बयानों पर भी पलटवार किया। नहीं यार, देखिए, दिल के बहलाने को गरीब ख्याल अच्छा है। अब अगर कैंडिडेट आए हुए होते ना तो उनके नाम भी तैरते होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पे, जो जो इच्छुक होते हैं। लेकिन पहले तो होता था कांग्रेस का, कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बार वो खिड़की खाली है, कोई है नहीं। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं ये, कि पकड़ पकड़ के ला के उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कैसे गुजारी है, 500 साल के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए आंदोलन भी हुए, इन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन हुआ, इनको निमंत्रण भेजे गए तो ये उसमें नहीं आए, और अगर कोई चला जाता है तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। कैसे राम के पुजारी हैं ये? अरे देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कुछ लोग होते ही हैं, सब जगह ही होते हैं, तो वो और करते हैं ऐसा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है वो अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी को जानती है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करती है, और हमें भरोसा है कि आम जनता जो है वो मोदी जी को जिताएगी।